সবাই কে জানায় আমাদের রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের প্রখ্যা চোল পিঠ ডান্স একাডেমি তরফে প্রণাম করেন। আমি ওনার বিষয়ে কিছু বলবো, সেটা হিন্দিতে। এই জন্য হিন্দিতে বলবো যে আমার স্কুলের বাচ্চারা সবাই বাঙালি নয়, বহু বাচ্চা অবাঙালি রয়েছে, তারাও নৃত্য করেছে, তাদেরও ইচ্ছা রয়েছে রবীন্দ্র জয়ন্তী মানাবার, সেই জন্য আমি হিন্দিতে বলবো। আর আগে আগে যেরকম করে বাচ্চারা নৃত্য করবো সেরকম। আজ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর কে জন্মদিন পর সোল বিট ডান্স একাডেমি কি তরফ সে মেয়ে শিপ্রা চক্রবর্তী আর মেরা পুরা ডান্স পরিবার সংযুক্ত রূপ সে আপকা অভিবাদন করতে হয়। তাহলে আমি শুরু করি ডাকঘর রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি। সে ভারী আশ্চর্য জায়গা, সে পাখিদের দেশ, সেখানে মানুষ নেই, তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর উড়ে। বাহ, কি চমৎকার! সমুদ্রের ধারে? সমুদ্রের ধারে বই কি, সব নীল রঙের পাহাড় আছে। নীল পাহাড়ই তো তাদের বাসা। সন্ধ্যের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে। সেই আকাশের রঙে, পাখির রঙে, পাহাড়ের রঙে সে কাণ্ড হয়ে ওঠে। পাহাড়ে ঝর্ণা আছে বিলক্ষণ, ঝর্ণা না থাকলে কি চলে, একেবারে ঘিরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর তার কি নৃত্য, গুড়িগুলোকে ঠুংঠাং ঠুংঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কলকল ঝরঝর করতে করতে ঝর্ণাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ছাপ দিয়ে পড়ছে। কোন কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে এক দণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি এক ঘরে করে না রাখতো, তাহলে ওই ঝর্ণার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার এক পাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিত। রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর কা জন্ম 7 মে 1861 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने 8 वर्ष के उम्र में पहली कविता लिखी थी। ऐसे ही उम्र के कुछ बच्चों के द्वारा प्रस्तुति अनामिका और रितिका के।
ज्यादा गाने की कंपोज किए थे, 2000 से ज्यादा गानों की कंपोज किए थे और उनके नामों को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। देखिए नृत्य प्रकृति भट्टाचार्य के। Thank you.
जहां एक तरफ गांधी जी ने दांडी मार्च के जरिए विदेशी मालों का बहिष्कार आरंभ किया और दूसरी तरफ नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा लगाया, ठीक उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एकला चलो रे गाने की रचना की। ये गाना बापू को अत्यंत प्रिय था। ये गाना आज भी किसी विकट परिस्थिति में किसी भी मनुष्य को रास्ता बताता है, जो कि इस समय लॉकडाउन के समय बहुत ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं आज सानवी झा के द्वारा ये नृत्य एकला चलो। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें 1913 यानी 1913 में उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए राही के राही और प्रियांशी के द्वारा ये नृत्य।
रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद टैगोर ने ये उपाधि वापस कर दी थी। इसे वापस लेने के लिए वे लोग राजी नहीं हुए थे। देखिए ये नृत्य अनुष्का और निधि के द्वारा। वे न केवल अच्छे कवि और गीतकार थे, बल्कि अच्छे दार्शनिक, शिक्षाविद और बहुत अच्छे पेंटर थे। आइंस्टाइन का जुड़ाव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ था। चौंक गए? दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं के मन में एक दूसरे के प्रति गहन सम्मान था। वास्तव में आइंस्टीन ने टैगोर को रब्बी, शिक्षक के लिए इस्तेमाल होने वाला हिब्रू भाषा का शब्द के रूप में भी संबोधित किया था। देखिए विभा दत्ता के द्वारा ये नृत्य। Oh.
रचनात्मकता से मुलाकात 6 दशक पहले कोलकाता में हुई थी। तब एक स्थानीय लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन ने एक के बाद एक थ्रिलर पढ़ने वाले बच्चों को टैगोर की कविताओं की किताब गार्डनर देकर बहलाने की कोशिश की थी। इन कविताओं का असर ऐसा था कि गुलजार उस कॉपी को लौटाने के लिए कभी वापस लाइब्रेरी नहीं गए। ये केवल शब्दों की कारीगरी नहीं है, बल्कि रिदम और मीटर को भी पकड़ना होता है, ताकि कविता अपनी खूबसूरती में व्यक्त हो सके। देखिए नैन्सी के द्वारा ये सुंदर। एक देहाती सर पे गुड़ की ढेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुनके भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की ढेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैं देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेजी किसने रख दी? सामने चूल्हा जल रहा है, वहां आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए, जानती है वो क्या कहेंगे। जैसे वैश्विक महामारी के चलते आज हम लोग गृहबंदी हुए हैं, हम प्रभु से केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालें। ऐसे ही सोच लेकर आ रही है हमारी अगली सीनियर बच्ची जया गांगुली। तो देखिए जया गांगुली। Thank you.
टैगोर अकेले ऐसे रचनाकार हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक लिखा, इसके साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा था। श्रीलंका का राष्ट्रगान टैगोर के शिष्य आनंद समराकुन की रचना थी। यहाँ तक कि श्रीलंका का राष्ट्रगान भी गुरुदेव टैगोर की ही रचना पर आधारित।